आज हम आपके लिए भिन्नों पर आधारित एक क्वेश्चन लेके आए हैं। चार भिन्नें दी हुई हैं। इस पर चार तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। पहला जो बन सकता है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, या दूसरा बन सकता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तीसरा बन सकता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखो, या चौथा बन सकता है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर बैंक्स में, रेलवेज में, CISF, CGL और SSC जैसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अब फ्रैक्शंस या भिन्नों की तुलना करने के लिए आमतौर पर हम आप सब लोग जो है जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे आसान तरीका और सबसे मशहूर तरीका वो है LCM निकाल करके। लेकिन यहाँ पर देखिए कंपटीशन में आप बैठे हैं, यहाँ चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक पे टिक लगाना पड़ेगा। अब अगर LCM से आप इसको लगाना शुरू करोगे तो 13, 15, 17, 18 इसका LCM अगर लोगे तो आप देख रहे हो LCM बहुत बड़ी संख्या आएगी, बहुत बड़ी नंबर आएगी। और फिर LCM जो बहुत बड़ी नंबर आएगी, 13 से डिवाइड करोगे, फिर उसको इसके डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करोगे मल्टीप्लाई करके अंश और हर में, तो ये बहुत ही टाइम लेगा। और आप कंपटीशन में बैठे हो, जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग जाएगा तो बाकी क्वेश्चन के छूटने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। आंसर तो आएगा, आप चाहे LCM मेथड से लगाओ चाहे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लगाओ, तब भी आएगा आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर आ जाए सबसे बड़ी भिन्न या सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो, इसको गौर करो कि भिन्न जो दी हुई है, जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं वो कैसी फ्रैक्शंस हैं। क्योंकि फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दो तरह की फ्रैक्शन होती हैं। तो आप देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर यानी अंश छोटा होता है। तो देखो 12 13 से छोटा है, 14 15 से छोटा है, 16 17 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों भिन्न कैसी हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो और जब अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब आपके क्वेश्चन में तीन फ्रैक्शन प्रॉपर हैं और एक इम्प्रॉपर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, तो आप कह दोगे कि जिसका जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। लिखेंगे हम सबसे बड़ी भिन्न यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 19/18। प्रॉपर इम्प्रॉपर में जो दो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो ये क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ी है। ऑप्शन आप फॉरन टिक लगा, ना आपको LCM लेना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर कहता है कि नहीं सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है, तो अब यहां पर एक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, बाकी तीन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों का में से हर का LCM करेंगे, बराबर करेंगे, तब भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा। LCM निकालोगे तो अब क्या करोगे, यहां पर ये चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये चेक कर लो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा है। लिखेंगे 12/13, 14/15, 16/17 में। देखो इसमें डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1,
ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा वन, ऐसे वहाँ भी, यानी सेम है। तो अब जो है इन तीनों में, तीनों जो है कैसी हैं फ्रैक्शन, ये तीनों हमारी कैसी फ्रैक्शन हैं, ये तीनों फ्रैक्शन कैसी हैं, प्रॉपर हैं। और नंबर दो, प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर, तो नंबर एक फ्रैक्शन कैसी हैं, प्रॉपर हैं, और नंबर दो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इज इक्वल टू वन, दैट इज सेम। अगर ऐसा है तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर जिसका होगा वही सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। देयरफॉर 12/13 सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर? तो देयरफॉर यानी लोवेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12/13। बात समझ आ गई? अब ऑर्डर में लिखना है इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या फ्रैक्शन है, 12/13। तो लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आरोही क्रम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/13, फिर लेस देन 14/15, लेस देन 16/17, और ये सबसे बड़ी है ही 19/18 हो गया। यानी ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन 19/18, इसके बाद इससे छोटी क्या है, 16/17, फिर 14/15, फिर 12/13। यानी ये सबसे बड़ी है, फिर ए इससे बड़ी है, और ए इससे बड़ी है, और ए इससे बड़ी है। यानी सबसे बड़ी ये, उसके बाद इससे कम ए, इससे कम ए, इससे कम ए। इस तरह से चार क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं, तो चारों में से क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट पूछा गया है। तो अगर ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। लोवेस्ट पूछा गया है यानी सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन तीन दी हुई हैं, इसमें से चेक कर लिया हमने कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम आ रहा है, उसमें जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा तो 12 सबसे छोटा है, इसलिए 12/13 सबसे छोटी भिन्न होगी, लोवेस्ट फ्रैक्शन होगी। क्लियर? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी 12/13, फिर इससे बड़ी 14/15, फिर उससे बड़ी 16/17, फिर सबसे बड़ी 19/18। ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है तो इसी का क्रम बदल जाएगा, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर?